हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ चेरी सिरप की। ये सिरप के क्या यूजेस है, इसको कब और कैसे ले, इसका क्या डोजेस है, इसके क्या नुकसान हो सकते, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँचे रहे। गाइस, चेरी सिरप 200 ml में आता है। इसका प्राइस है 170 rupees। आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते। बात करें इसे यूजेस की, तो ये सिरप को डॉक्टर तब रेकमेंड करते जब आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो, बॉडी में थकान रहती हो, बॉडी फेस में सूजन रहती हो, एनीमिया की प्रॉब्लम हो, बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जोड़ों घुटने में दर्द रहता हो, रेड ब्लड सेल्स का बनना कम हो गया हो, उस कंडीशन में भी ये सिरप का यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उस कंडीशन में भी ये सिरप का यूज कर सकते हैं। चेहरा रूखा हो, स्किन पे ग्लो नहीं है, डार्क सर्कल है, तब भी आप ये सिरप का यूज कर सकते हैं। इस सिरप में मेन की इंग्रेडिएंट है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। आयरन से बॉडी में ऑक्सीजन को सही तरह से पहुंचाने पे हेल्प मिलती है। आयरन की कमी होने से हेयर फॉल होते हैं, स्किन बेजान हो जाती है। अगर आयरन बॉडी में सही मात्रा में हो तो किसी तरह का आपके चोट लगे हो, वो घाव हो गया हो, तो जल्दी से ठीक हो जाता है, घाव जल्द से भर जाता है। आयरन से इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के रूप में भी जाना जाता है। ये बॉडी में न्यू रेड ब्लड सेल को बनने में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड की सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूरत होती है। नेचुरली के तरीके से भी फॉलिक एसिड को ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सैलेड, मूंगफली, साबुत अनाज, अंडा, ये सब में फॉलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन B12 ये RBC को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, तो आप ये सिरप को ले सकते हैं। बात करें इसको लेना कैसे, तो पहले ये सिरप को अच्छे से सेक कर ले, उसके बाद एडल्ट को लेना है 10 ml करके दिन में 2 बार सुबह शाम। अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दे। साइड इफेक्ट की बात करें तो ऐसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी किसी किसी को कब्ज हो सकता है, पेट में सूजन आ सकती है, दस्त हो सकते हैं, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, ऐसे कुछ ही कॉमन साइड इफेक्ट देख सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये सिरप का यूज करना है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, डॉक्टर के रिकमेंड से ही ये सिरप का इस्तेमाल करें। खास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग मदर या बच्चों को देना चाहते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर गए थे। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।